Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into choirs of harmony. Left me with the pieces of forever that you broke. But since you left me alone, I've been high. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो काशीज़ पे होगी। आज मैं आपको काशीज़ की ब्राइडल कलेक्शन दिखाऊंगी। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आपको काशीज़ की जो ब्राइडल ज्वेलरी है उसकी कलेक्शन दिखाई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाके आप काशीज़ ब्राइडल ज्वेलरी की कलेक्शन देख सकते हैं। काशीज़ जितने अच्छे मेकअप आर्टिस्ट हैं उससे ज़्यादा अच्छे मुझे लगता है कि वो डिज़ाइनर हैं, क्योंकि उनके जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं और ब्राइडल ज्वेलरी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ज्वेलरी तो आप मेरी लास्ट वीडियो में देख ही चुके हैं और ड्रेसेस आप आज की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो को भी मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। कुछ ड्रेसेस मैं आपको आज की वीडियो में दिखाऊंगी, कुछ ड्रेसेस मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। तो अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और काशीज़ का जो सैलून ओपन हुआ है लाहौर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने वो सैलून बनाया है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था। और आप एंटर होते साथ ही आपको ये वाला व्यू देखने को मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने एक ब्राइडल स्टूडियो बनाया है ब्राइडल शूट्स के लिए। अभी मैं रात के टाइम गई थी, वरना यहाँ पे अगर मैं दिन के टाइम आती तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता, डे लाइट में ये बहुत अच्छा लगना था। एक एक चीज़ की डिटेलिंग में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अटेंशन दी है, जो कि मैं कह सकती हूँ कि मैंने अभी तक पूरे लाहौर में इस तरह का कोई ब्राइडल सैलून या ब्राइडल बुटीक नहीं देखी जितनी खूबसूरत मैंने काशीज़ की देखी है। और यहाँ पे इवन के मैं रात को गई थी लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत खूबसूरत काशीज़ के ब्राइडल ड्रेसेस हैं। मैंने हमेशा ये टीवी में ही देखे थे और मुझे बहुत शौक था कि मैं इनको इन पर्सन देखूं, कि इन पर्सन देखने में भी ये कैसे लगते हैं, इनका फैब्रिक कैसा है। और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इनके ड्रेसेस हैं। अभी जब मैं आपको दिखाऊँगी डिटेल में इनकी कलेक्शन तो आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा। इवन के जो एम्ब्रॉयडरी है उस पर भी मैंने जूम करके दिखाया है ताकि आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाए कि कितनी नीट और कितनी फाइन एम्ब्रॉयडरी हुई है। जिस दिन ये ओपनिंग डे था उस दिन अप टू 50% ऑफ था, लेकिन जस्ट मेकअप और ज्वेलरी पे ऑफ था, ड्रेसेस पे ऑफ नहीं था। काशीज़ के जो ड्रेसेस हैं उनकी प्राइसेस 1 लाख से स्टार्ट हो रही है और 4 लाख तक आई थिंक इनकी प्राइसेस जा रही हैं। जितना ज़्यादा हैवी ड्रेस होगा उस पर जितनी ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी हुई होगी उतना ही उसकी प्राइस होगी। और कुछ ड्रेसेस तो आप यकीन करें इस कदर हैवी थे कि मुझे लग रहा था एटलीस्ट कम से कम भी उनका 10 to 15 kg वेट तो ज़रूर होगा, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेसेस थे वो। लेकिन खूबसूरत बहुत ज़्यादा हैं, फैब्रिक क्वालिटी बहुत अच्छी है और एम्ब्रॉयडरी भी बहुत खूबसूरत है, जो कि आप वीडियो में देखेंगे तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। कलर्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, वरना मोस्टली डिज़ाइनर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो ब्राइडल ड्रेसेस हैं रेड में ही बनाते हैं। यहाँ पे भी मैंने रेड में ड्रेसेस देखे थे, लेकिन उसके अलावा भी आई थिंक हर ही कलर में मैंने यहाँ पे ड्रेस देखा था। हर कलर का ब्राइडल ड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इवन के मैं अभी आपको एक ड्रेस दिखाऊंगी जिसे मैं रेनबो ड्रेस बोल रही थी, क्योंकि उसमें रेनबो कलर्स थे सारे, वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था, बहुत कलरफुल सा ड्रेस था, वो भी आप आगे वीडियो में देखेंगे। एक ये वाला जो ऑरेंज कलर का ब्राइडल ड्रेस है ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा था, लेकिन आप यकीन करें कम से कम भी इसका वेट जो है वो 15 kg के अराउंड ज़रूर होगा, बहुत ज़्यादा हैवी ड्रेस था ये और इसकी प्राइस आई थिंक 3.5 लाख के अराउंड थी। एक एक ब्राइडल ड्रेस की प्राइस मैं आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने जस्ट आपको एक एस्टीमेट बता दिया है कि 1 लाख से स्टार्ट होती हैं और 4 लाख के अराउंड इनकी प्राइसेस हैं।
जो नेक्स्ट मैं ब्राइडल ड्रेसेस की वीडियो अपलोड करूंगी उसमें मैं आपको ब्राइडल ड्रेसेस के अलावा जो इनकी वेडिंग ड्रेसेस हैं, फॉर्मल ड्रेसेस आप कह सकते हैं, जो कि आप किसी भी फंक्शन में इजीली वेयर कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। वो इससे कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप वो वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैंने फर्स्ट टाइम किसी ब्रांड का ये जो ब्लैक कलर का ब्राइडल ड्रेस है वो देखा है। इससे पहले मैंने ब्लैक कलर में ब्राइडल ड्रेस आई थिंक किसी और डिज़ाइनर के पास नहीं देखा। यहाँ पे आपको हर कलर का ही ब्राइडल ड्रेस देखेगा। ये मैंने फर्स्ट कोई डिज़ाइनर देखा है जिनके पास हर कलर का ब्राइडल ड्रेस है, वरना मोस्टली दो तीन कलर्स ही हमेशा यूज़ किए जाते हैं ब्राइडल ड्रेसेस के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हर कलर ही मिल जाएगा, जो कि आपने अभी वीडियो देखी है तो आपको भी आइडिया हो गया होगा। ये भी इन पर्सन देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इसके अलावा जो इनके रेड कलर के ब्राइडल ड्रेसेस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। उनमें से भी कुछ ड्रेसेस जो हैं वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगे थे। और ये जो ड्रेस है इसकी काफ़ी हैवी शर्ट है, लेकिन लहंगा जो है वो बिल्कुल सिंपल है और आप इजीली इसको किसी भी अपने फ्रेंड के या कज़न की वेडिंग वगैरह में वेयर कर सकते हैं। और इसकी प्राइस आई थिंक 70,000 के अराउंड थी। नीचे आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत लहंगे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है। और ये वाला वो रेनबो ड्रेस है जो मैं आपको बता रही थी। इस ड्रेस में आपको हर कलर मिल जाएंगे। और ये हैं काशीस के वो फॉर्मल ड्रेसेस जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि आप अपनी किसी कज़न की या सिस्टर वगैरह की वेडिंग में वेयर कर सकते हैं और इनकी प्राइसेस भी कम हैं। अगर आप ये वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इसके अलावा अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़। और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कौन सा वाला ड्रेस जो है वो ज़्यादा अच्छा लगा है। ओके, अल्लाह हाफिज़।